दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी आ रही है BARC की तरफ से। ये जो डिपार्टमेंट है गाइस, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बहामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। और अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से, इसी जैसे ये वर्क करता है, इसी तरीके से काफ़ी सारे ग्रुप हैं, जैसे DRDO, ISRO, यहाँ इसी तरीके की ये सभी ग्रुप हैं। अब ये सभी सेम ही है और ये गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। तो गाइस, यहाँ जो आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। गाइस, यहाँ ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। यहाँ आप लोगों की परमानेंट जॉब रहेगी, ना ही आप लोगों की अप्रेंटिस है और ना ही आप लोगों की ट्रेनी जॉब है, ये है फुली ऑफ परमानेंट जॉब। ओके, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए करना चाहते हैं तो फ्रेशर्स के लिए कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर कई सारे जॉब्स निकाली गई हैं, जैसे देखिए हमारे जो नॉन टेक्निकल होते हैं, या फिर आप लोग बात करेंगे फार्मेसी वाले, या फिर मतलब नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, और टेक्निकल वालों के लिए भी। टेक्निकल में जैसे डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिए। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। तो गाइस, हमने नोटिफिकेशन यहां पर डाउनलोड कर लिया है, यहां देख सकते हैं BARC भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है, और ये जो है आप लोगों का पर्सनल डिवीजन रहने वाला। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया, लास्ट डेट 12/9/2022 दी गई है, इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है अप्लाई डेट की। साथ में देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट नेम दिया गया है, यूनिट, और यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, SC ST OBC EWS UR, टोटल वैकेंसी दी गई है। अब देखिए यहाँ आप लोगों का जैसे नर्स में दिया गया है, नर्सिंग जो किए होते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें आप लोगों के जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे देख सकते हैं पैथोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर और सब ऑफिसर। लेकिन हमारे टेक्निकल वाले स्टूडेंट सिर्फ एक वैकेंसी के लिए, एक ही ओपनिंग जो आ रही है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ओपनिंग है हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसमें सिविल वाले ही एलिजिबल हैं। अब देखिए आप लोगों की टोटल वैकेंसी 8 दी गई है, और यहाँ आपकी 36 टोटल और रिक्वायरमेंट दी गई है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे आप लोग की फर्स्ट जो जॉब है नर्स वाली, उसके यहाँ पर 12th वाले स्टूडेंट प्लस डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग में, जैसे 12th है प्लस नर्सिंग में डिप्लोमा है वो एलिजिबल है, 3 साल का होना चाहिए, या फिर BSc या फिर नर्सिंग में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही तरीके से यहाँ भी आप लोग का सेकेंड जॉब के लिए BSc होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो मेडिकल लैब वगैरह से 60% हो। थर्ड के लिए BSc 60% होना चाहिए मार्क्स, 50% हो डिप्लोमा वालों के लिए। कहने का मतलब है BSc 60% मेडिकल क्षेत्र में आप लोग का BSc हो या फिर आप लोग का डिप्लोमा हो सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में। अब आप लोग को हम लोग मेन की बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मेन है साइंटिफिक असिस्टेंट, यहाँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा सिविल से। मैक्सिमम जो मतलब यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो दिए गए हैं, मैक्सिमम आप लोग का कितना भी मार्क्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम 60 से कम नहीं होना चाहिए। 3 साल का यहाँ पर रखा गया है, आप लोग का 3 साल का डिप्लोमा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइस थोड़ा स्क्रॉल कीजिए तो आप लोगों को एज लिमिट देखने के लिए मिल जाएगी। एज लिमिट सिर्फ बाकी आप लोग खुद चेकआउट कर लीजिए, हम लोग इसकी देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल वालों के लिए, यहाँ UR वालों के लिए जो दिया गया 30 है, OBC वालों के लिए 33 है, SC वालों के लिए 35, और यहाँ पर SC और ST के लिए दोनों सेम दिया गया 35-35। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर जो है आप लोगों की एज दी गई है, मिनिमम 18 रखी गई है।
ओके, ये जो आपका गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करता है, इसीलिए सारे रूल गवर्नमेंट के होंगे। आपको यहाँ सबसे पहले मेन ये है, रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्सेशन यहाँ आप लोगों को जैसे 5 साल का यहाँ पर एससी एसटी वालों के लिए, 3 साल का ओबीसी वगैरह वालों के लिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन मेथड आपका क्या रहेगा देखिए, तो गाइस सिलेक्शन मेथड जो रहने वाला है आपका, देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम, यहाँ पर जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा उसके आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एग्जामिनेशन में जैसे मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस, साथ में गाइस जो आप लोग जिस भी क्वालिफिकेशन को किए हैं उसका आप लोग का 50 MCQ आएगा। मतलब जो क्वालिफिकेशन आप लोगों ने किया, अगर मान लीजिए आपने सिविल से डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के टेक्निकल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही आप लोगों के नॉन टेक्निकल से आएंगे। ओके, अब आता है यहाँ आप लोग की नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। साथ ही आप लोग का फीस वगैरह की देख लेते हैं, जैसे देखिए। और हाँ ये भी याद रखें, ये 3 स्टेज में होगा आपका एग्जाम। फर्स्ट स्टेज में आप लोगों का यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को देखिए जैसे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो सभी चेक किए जाते हैं, उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट वगैरह हो जाता है, फिर जाके आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाता है। परमानेंट जॉब है तो थोड़ा सा तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी गाइस, ये तो आप लोग जानते हैं। जब परमानेंट जॉब निकलता है तो उसके लिए टेस्ट भी आप लोगों का होता है। अब गाइस ये सारी चीज़ें देख रखी हैं, आराम से देख लीजिएगा। वेट वगैरह दिया गया है आप लोग का, फिजिकल में क्या होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, वेट, चेस्ट, वजन, ये सभी आपका दिया गया है यहाँ पर। ये थोड़ा मेन रखा गया, अगर जो स्टूडेंट हमारे हाइट और वेट वगैरह में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट निकल जाएंगे, विजन में निकल जाएंगे, क्योंकि 6x6 का मांगा गया है फिजिकल टेस्ट में, ये सभी आप लोग देख सकते हैं। अब बात करेंगे इस आप लोगों के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दी जाएगी, वहां से जाकर अप्लाई कर देना। 17 अगस्त आपका स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट यहाँ 12/9 दिया गया है, इससे पहले अप्लाई करना होगा। दूसरा आप बात करें फीस की, तो फीस आप लोगों को देनी है 150 रुपये, बट ओनली ऑन मेल कैंडिडेट्स को देनी है, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है। लेकिन जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, फीमेल हैं, उनके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है, उनको फ्री का फॉर्म रहेगा। तो आप लोग सभी अप्लाई कर दीजिए, जनरल कंडीशन दी गई हैं, और सबसे मेन कंडीशन आती है कि आप लोग कहीं से भी हैं, सभी स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो गाइस देखिए ये लिंक आप लोगों को, अप्लाई लिंक दी गई है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ से आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे ईमेल आईडी और अपना कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, साथ में आप लोग का यहाँ पर स्टेट करना जिसमें आप लोगों का बर्थ हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ एम्प्लॉय एक्सचेंज करना है, यस और नो, तो आप लोग को नो कर देना है। देन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद कैप्चा डालना है और आप लोग का एंटर लेटर एवर, ठीक है, ये जो है आप लोग पूरा फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो मैं आपको दूसरी लिंक दूंगी वो भी दिखा देती हूँ, वहाँ आप लोग को डाल के लॉगिन करना है। तो देख सकते हैं जब आप लोगों को ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है और पासवर्ड डालना है यहाँ पे, देन आप लोगों को कैप्चा डालना है। तो ये कहाँ पे डालेंगे, ये यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो लेटर एस एवव करके दे रखा है उसमें आपको कैप्चा डालना है। जब आप लोग डाल देंगे तो यहाँ लॉगिन कर देंगे और उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना है। तो ये सभी आपको लिंक बता दी गई हैं और आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।